नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली मिनी मॉक टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सभी लोग? डेली ये क्लास होती है रात में 9 बजे से लाइव आपके लिए। 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग, हाई क्वालिटी के। सिलेबस आपको मिल चुका होगा, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। रोज आपके लिए डेली टारगेट आता है, वहां से हम लोग जो क्वेश्चंस का जो सब्जेक्ट है वो उठाते हैं। ठीक है, डेली ये क्लास होती है रात में 9 बजे से। आवाज़ वगैरह सब सही है? चलो शुरू करते हैं चीज़ों को। हाँ, तो टाइमर निकाल लेते हैं और आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लाते हैं। पहला सवाल है होम चार्जेस पर। ध्यान से इसको पढ़ना, होम चार्जेस क्या था, इनमें से कौन कौन है जो होम चार्जेस के रूप में इंक्लूड किए जाते हैं, ये बताना है आपको। ध्यान से इसका आंसर देना। ठीक है, चलो कह रहा है इनमें से कौन है जो होम चार्जेस के रूप में इंक्लूड किए गए थे, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो पहला है, फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन, मतलब कि वो सारे खर्चे जो इंडिया के द्वारा किए गए थे, जो पैसा ब्रिटेन में जाता था, उसको हम कहते हैं होम चार्जेस। ठीक है, जैसे कि जो ब्रिटिश पर्सनल हैं जो भारत में काम कर रहे थे, उनको पे करने के लिए हम लोग जो सैलरी पे करते थे, जो पेंशन देते थे ना, ये सारा पैसा इंडिया से उठ करके ब्रिटेन में जाता था, ये सारा होम चार्जेस कहलाता है। वैसे ही जो भी वॉर ब्रिटेन के द्वारा लड़े गए थे इंडिया के बाहर, मगर पैसा इंडिया से भरवाया गया था, वो भी होम चार्जेस में आता है। तो 1, 2 and 3, ऑल थ्री आर पार्ट ऑफ होम चार्जेस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होम चार्जेस जो थे वो एक तरीका था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, वेल्थ को भारत से बाहर निकाल करके ब्रिटेन में ले जाने का, ये एक तरीका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उस पर डिविडेंड पे किया जाता था, वो पैसा भी भारत से जाता था। जो शेयर होल्डर थे वो ब्रिटेन में थे, तो पैसा इंडिया से निकल करके ब्रिटेन में जा रहा है। ठीक है, यूके ने जो भी लोन दिया था इंडिया को, इससे हम लोग ब्याज पे करते थे, वो ब्याज भी यूके के पास जाता था, और वो ब्याज हमको चाहिए भी नहीं था वैसे उस टाइम पे। ठीक है, ये तो ये सब बातें हैं। अगला सवाल है, इनमें से मॉडरेट्स के बारे में कौन सी बातें सही है, ध्यान से इसका आंसर करना। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, सवाल कह रहा है मॉडरेट के ऊपर। दे कैंपेन फॉर द इंडिजनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब कि गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं उसमें इंडियन का कंट्रीब्यूशन बढ़े, इसके लिए मॉडरेट ने जोर दिया। उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन है ना, वो होना चाहिए, मतलब कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में जजमेंट का जो पावर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन लेबर बाहर, उनको बेटर तरीके से मतलब ट्रीट किया जाए। क्लियर है? दूसरी बात, आर्म्स एक्ट को अबॉलिश किया जाए, इसकी भी डिमांड मॉडरेट ने करी थी। 1, 2 and 3, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मॉडरेट का और जो एक्सट्रीमिस्ट के जो काम हैं वो ध्यान से उसको आप दिमाग में रखिएगा। उन्होंने क्यों कहा कि गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसमें इंडियन कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए, उन्होंने 3 कारण दिए। पहला कारण उन्होंने ये दिया
कि जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सैलरी मांगता है और हम भारतीय आपका काम सस्ते में कर देंगे। दूसरा, जब ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट अपने घर जाते हैं तो उसके साथ उसका पेंशन भी जाता है, उसका सैलरी भी भारत से निकल करके ब्रिटेन में जाता है, विच इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। तीसरा, अगर आप इंडियन को रिक्रूट नहीं करेंगे खुद इंडियन पर रूल करने के लिए तो इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि सही नहीं है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ये बातें हैं। अगला सवाल करना सूरत स्प्लिट के बारे में है, ध्यान से करना जरा इसको। जो कि सही नहीं है हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ये बातें हैं। आवाज तो सही है। अबे अभिनव, तुम्हें बोलने का नहीं है भाई, क्या करते हो। सर 100 डेज में प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। यार मैं तो कहता हूं कि 90 दिन के भीतर हो जाएगा, तुम 100 दिन की बात पूछती। ठीक है, ओके। तो यहां पर ध्यान से सुनना, सूरत सेशन का में जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में। मॉडरेट वांटेड 1907 सेशन टू बी हेल्ड एट सूरत इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड लोकल लीडर्स लाइक तिलक फ्रॉम प्रेसिडेंसी। होता क्या था कि साल के अंतिम में, मतलब दिसंबर के महीने में कांग्रेस का सेशन हुआ करता था और कांग्रेस ये सोचता था कि भारत के अलग अलग जगह पर सेशन कराया जाए। कांग्रेस का एक सेशन गया में भी हुआ है। हाँ, गया मेरा शहर, ठीक है ना। ये कब हुआ आपको ये बताना है और इसके चेयरपर्सन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट इसके कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, इनके नाम पे एक कारखाना भी है रेलवे का। चलो, तो यहाँ पर बातें करी जा रही थी कि मॉडरेट ने ये सोचा कि अगर हम सूरत में सेशन करा देंगे तो तिलक प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे कांग्रेस के। क्यों? क्योंकि जिस प्रोविंस में होता है उसका होस्ट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और तिलक सूरत से थे तो तिलक नहीं बन पाते। समझ गए? तो यहां पर यह समस्या थी। जो सेशन था कलकत्ता का 1906 में, वहां पर कांग्रेस ने कहा कि वी वांट टू अडॉप्ट स्वराज या फिर सेल्फ रूल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को थोड़ा सा उसको सुलझाना था, उसको थोड़ा सा खुश करना था, बंटवारा होने से रोकना था इसको। तो आपका पहला सही है, साथ में तो बंटवारा हो गया था, ठीक है ना। इन दिस सेशन नहीं, कलकत्ता वाले सेशन में कांग्रेस ने कहा कि स्वराज्य हमारा जो वो है ना गोल, वो होगा। तो दूसरा गलत है, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल करना ध्यान से, म्युनिसिपैलिटी वगैरह के बारे में है। अजीत कुमार, आई एम ऑल्सो फॉरम गया। चलो मिलते हैं डोमिनोज में सैटरडे को। Municipalities and panchayats fall under the definition of a state in Article 12 of the Constitution. क्या municipality और panchayat state की definition में आते हैं? आते हैं। इस पर हम लोगों ने सवाल कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वो contractor भी state की definition में आएगा जो सरकार के लिए road बना रहा है। तो पहला यहाँ पर सही है। Government of India Act 1919 के अंतर्गत जो डायर की अप्लाई हुई थी ना, जो डायर की अप्लाई हुई थी प्रोविंस में, कहां हुआ था बाबू? प्रोविंस में हुआ था। प्रोविंस के जो सब्जेक्ट है ना, ध्यान सुनना, प्रोविंस के सब्जेक्ट हैं, इसको दो भागों में बांट दिया गया था। एक था रिजर्व्ड, जिस पर राज्य का जो गवर्नर था
वो डिसीजन लेता था अपने ऑफिशियल की मदद से। दूसरा था ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, यहां पर भी गवर्नर ही डिसीजन लेता था मगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। समझ गए? तो इसका मतलब होता है डायरकी, ये होता है डायरकी में। 1919 में डायरकी प्रोविंस में लगाया गया था, 1935 वाले एक्ट में ये डायरकी सेंट्रल लेवल पर लगा दिया गया। समझ गए बात? तो यहां पर क्या किया गया था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था। अब चूंकि ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक मंत्री के अधीन आएगा। कोई दिक्कत है यहां पे? तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। डायरकी समझ में आया कि नहीं आया यहां से मुझे ये बताओ, इससे आसान डिफिनेशन नहीं है डायरकी का। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करना, दोबारा समझना है इसको। अगला सवाल है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट। देखो क्या होता है, ध्यान से, शहरी इलाकों में म्युनिसिपैलिटी और ग्रामीण इलाकों में पंचायत, अलग अलग पंचायत अपना अपना प्लान बनाएगा। अपना अपना प्लान बना करके ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ना, इनको भेजेगा। ये म्युनिसिपैलिटी, ये म्युनिसिपैलिटी, ये पंचायत, ये पंचायत, सब लोग अपना अपना प्लान बना करके डिस्ट्रिक्ट के पास भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट वाला जो प्लानिंग कमेटी है, इस प्लान को कंबाइन करके एक फाइनल प्लान तैयार करेगा। ठीक है, और इसको वो स्टेट के पास भेजेगा। यही काम होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। क्या काम होता है? ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाता है पूरे जिले के लिए। क्लियर है? हर राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाएगा जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का प्लान कंसोलिडेट करेगा, कंपाइल करेगा। स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना के बताएगा कि कमेटी के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा, ना कि गवर्नर। ठीक है, तो यहां पर पहला सही है, क्यों करेक्ट आंसर सी 1 और 3। हाँ, कुछ लोग इलेक्टेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, इसलिए आपका तीसरा भी सही है। क्या आंसर है? 1 और 3। अगला सवाल करना ध्यान से। ठीक है, चलो देखो, यहां पे जो रिपन है, रिपन को कहा जाता है कि इसने इंट्रोड्यूस किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में। मेन एजेंडा क्या था? मेन एजेंडा यह था कि लोगों के नजदीक में जो एमिनिटीज हैं वो ले जाए जाएं, लोकल गवर्नमेंट बनाया जाए जहां पर लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन हो और इसके लिए उनसे टैक्स वसूला जाए। तो ये इसलिए नहीं था
कि हम पर एहसान किया गया, बहुत ज़्यादा भले लोग थे ये, और भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, उनका पर्पस क्या था? आप जब पढ़ेंगे किताब में तो समझ में आएगा आपको, टैक्सेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब मेन पर्पस था। चूँकि हमारे ही लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होंगे और उनको कुछ खास पावर दिया गया नहीं गया था, और टैक्स भी वो लोग वसूलते थे हमसे इन सब चीज़ों के लिए, तो ये सब समस्याएं आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो लोकल बॉडीज थी इनको एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इन्हीं के थे, मतलब कि हम ही से पैसा इकट्ठा करके इनको दिया जाएगा। जो चेयरमैन था म्यूनसिपैलिटी का, ये यूरोपियन ऑफिशियल नहीं होता। कौन होता? ये नॉन ऑफिशियल होते, मतलब कि हमारे ही लोग वो बनाए जाते। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, पहला यहाँ पर सही है, दूसरा गलत हो गया क्योंकि यूरोपियन नहीं होगा, नॉन ऑफिशियल है यहाँ पे। तो ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, मगर जो रिपन था ना, वो बाकी वायसराय से तो ज़्यादा लिबरल ही था, उतना ज़्यादा बदमाश नहीं था जितना बाद के लोग आए फिर, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगला सवाल करना मैनग्रोव के बारे में है, बेहतरीन सवाल है ये, देखते हैं कौन कर पाता है इसको। ठीक है, सर एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लेनी सही होगी? अभी डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत पे, आपके पास पैसे हैं किस चीज़ पे। सर इस साल प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ, पर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, खुद पे प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिएगा इस चीज़ पर। ये नॉर्मल चीज़ है यार, हर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो अपने पे कॉन्फिडेंस खो जाता है, लगता है कि यार जो पढ़ा था सब भूल गए, कुछ तैयार ही नहीं है, छोड़ो अगले साल देते हैं एग्ज़ाम, ऐसा फील होगा आपको। तो ये नॉर्मल है, ये हर के साथ होता है, केवल तुम्हारे साथ ही नहीं होता। करना क्या है, मेन ये चीज़ है, आपको बस लगे रहना है। लगे रहने का मतलब ये है, मॉक सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्ज़ाम के दिन जा करके एग्ज़ाम दे कर ये चिल हो करके एकदम, ठीक है। टी शर्ट और पैंट पहन लेना, प्रेम से जाना एग्ज़ाम देने, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चलो, सवाल है मैनग्रोव के बारे में। मैनग्रोव ऐसे ट्रीज और स्क्रब होते हैं जो कोस्टल इंटरटाइडल जोन में पाए जाते हैं, ये सही है। अब ये ससुरकनाती इंटरटाइडल जोन क्या होता है यह समझो तुम, ये समुद्र का किनारा है, ठीक है ना, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। होता क्या है, जब टाइड आता है ना बाबू, जब अपर टाइड आया तो पानी चढ़ गया यहाँ तक के, ठीक है ना, पानी यहां तक के चढ़ गया पूरा, यह है अपर टाइड, ठीक है। और जब पानी सरकता है, मतलब जब आपका लोअर टाइड आता है, तो पानी खिसक के यहां तक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया है जमीन का, इसको हम कहते हैं इंटर टाइडल जोन। क्या बोलते हैं इसको? इंटर टाइडल जोन, मतलब कि अपर टाइड से लोअर टाइड के बीच का जो जमीन होगा ना, उसको हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन, और यहां पर मैनग्रोव पाए जाते हैं। ये जो पेड़ होते हैं वो लो ऑक्सीजन सॉइल में पाए जाते हैं, जहां पर वाटर बहुत स्लो मूव करता है, क्योंकि इनकी जड़ें तेज धारा में पानी बहने नहीं देता, ठीक है। तो दूसरा सही है यहां पर। हायर लैटिट्यूड पर यह नहीं पाया जाता, ये इक्वेटर के नजदीक ही पाया जाता है, इक्वेटर के नजदीक ही पाया जाता है, क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो तीसरा गलत हो गया। 1 and 2 सही है, 1 and 2 यहां पर है, और तो कोई है ही नहीं। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, मुझे गलत बताना है। तो 1 and 2 यहां गलत हो गया, 2 यहां है, तो यह गलत हो गया, तीसरा मेरा गलत है, मतलब मेरे आंसर में 3 तो आएगा ही आएगा, तो मैंने यहां पर सी आंसर लगा दिया, क्योंकि यहां पर 3 है। समझ गए आंसर? मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी ये जो पूरा सिस्टम होता है मैनग्रोव का, ये मछलियों को बहुत पसंद होता है, ठीक है ना। अरे तो पसंद तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तुम देखो, ये जो मैनग्रोव का जो पूरा इलाका है, घना इलाका है, तो यहां पर जो कपल्स होते हैं उनको, मछली कपल,
तो उनको कोई टेंशन नहीं रहती, हाँ प्रेम मिलाप के लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो दीज एरियाज आर फेवरेबल टू फिशेज। अगला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है सर? ट्रॉपिकल एरिया जो आपका मैनग्रोव का जो एरिया होता है ना, ये कोस्टल एरिया में होता है, और कोस्टल एरिया में जो नदी आके मिल रहा होता है समुद्र से, वहाँ पर न्यूट्रिएंट अपने साथ बहा करके लाता है, और ये न्यूट्रिएंट सपोर्ट करते हैं मैनग्रोव को, फिशेज को, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। 74th अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान से करना है इसको। ठीक है, सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में तीन म्युनिसिपैलिटी की बात करी गई है, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ब्लॉक लेवल पर नहीं होता। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। 1, 3 और 4, सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो आपका सही जवाब है, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। अगला सवाल करना कि 57 की क्रांति के बाद कौन कौन से बदलाव लाए गए थे आर्मी में। क्रोकोडाइल को भी मैंने को पसंद है। अरे क्रोकोडाइल वाला बजरंग दल का है ना। देखो, जब रिवोल्ट हुआ ब्रिटिश आर्मी में, तो उन्होंने किया क्या कि यूरोपियन की संख्या बढ़ा दी, जो यूरोपियन आर्मी के जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ा दी, न कि घटाए गए। ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन के रिस्पेक्ट में यूरोपियन जो सिपोही हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। तो पहला गलत हो गया, आपने यहाँ से ए उड़ाया, ए उड़ाया, बी उड़ाया और डी उड़ा दिया। क्या आंसर आ गया बाबू? क्या आ गया? यहाँ पर आपका सी आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। ऑफिसर के लेवल पर इंडियन को रिक्रूट नहीं किया जाता था। कम्युनल और जो कास्ट लॉयल्टी है ये इनकरेज किया गया। फूड डालो और राज करो की जो नीति है अपनाई गई। जाति आधारित जो बटालियन है ना बनाए गए, मतलब कि एक जाति का बटालियन अलग है, सेकंड जाति का बटालियन अलग है, मतलब कि दोनों जाति एक दूसरे पर अटैक कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो हैं ही शुरू से अलग अलग। डिसयूनिटी हमारे भीतर इतना बटा हुआ है कास्ट के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ठीक है ना। एक्चुअली हम इंडियन को समस्या क्या होता है ना कि टैलेंट में हम लोग अगर आगे निकल पाए तो ठीक है, अगर हम लोग टैलेंट में आगे नहीं निकल पाते तो हम कुछ ऐसा चीज अपनाते हैं जिससे हम दूसरों से सुपीरियर लगें, ठीक है। पहले क्या था, जो प्री वैदिक काल है, ये हो गया ना आपका। हाँ अगला सवाल करना। जो प्री वैदिक काल है वहां पर आपका जो वर्ण होता था डिसाइड होता था आपके काम के हिसाब से, मगर बाद में क्या हो गया, ये चीज रिजिड हो गई, अब बर्थ के आधार पर वर्ण डिसाइड होने लग गया। अब क्या होता है कि जो सुपीरियरिटी का जो ये सिस्टम है ना, ये हेरिडेटरी हो गया। अब आप लायक हैं या नहीं हैं, लोग अपनी कास्ट पर घमंड करते हैं, भले ही खोखला घमंड हो मगर वो करते हैं, अपने नाम के आगे टाइटल लगाएंगे, उस पर घमंड करेंगे, कई सारे फेसबुक के पेजेस बनाएंगे, है ना। एक करनी सेना वगैरह था ना, हाँ। सब कास्ट में ये होता है
केवल अपर कास्ट को ही नहीं गरियाओ, समस्या क्या होती है कि दलित में भी जो कास्ट है ना वो अपने से छोटे कास्ट को दबाता है, समस्या ये है। ओबीसी में भी जो अलग अलग कास्ट हैं वो अपने को ऊपर बताते हैं दूसरे ओबीसी कास्ट से। तो ये केवल ये नहीं है कि जनरल वाले अपने आप को ऊपर समझते हैं, ओबीसी वाले नीचे समझते हैं, ओबीसी वाले भी अपने कास्ट को ऊपर मानते हैं, दूसरे कास्ट को नीचे मानते हैं, क्योंकि एक जो ये है ना अपने आप को ऊपर दिखाने की जो चाहत है, तुमसे बढ़िया हैं हम, ये जो चाहत है ना, ये सब समस्याएं बहुत, हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ कह रहा था इनमें से कौन कौन से मॉडरेट है, ध्यान सुनना, लाल, बाल और पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। तो बिपिन चंद्र पाल ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ये मॉडरेट नहीं थे। तो चौथा हो गया सन्नाटा, ठीक है। अरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट थे, याद रखना, अरबिंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो आपका पहला गलत हो गया, ए यहाँ चला गया, सी और डी चला गया, आपका आंसर बी आ गया। अगर आपने सुब्रमण्यम अय्यर का नाम नहीं भी सुना होता तो भी आप आंसर निकाल ले जाते। गोपाल कृष्ण गोखले, बनर्जी, ये सभी मॉडरेट थे, कोई शक नहीं है, मगर कम उम्मीद होगी कि आपने इनका नाम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तब भी आप गलत कर पाएंगे सर, ये सवाल नहीं कर पाएंगे गलत, सवाल तो आप आंसर निकाल ही जाएंगे लिमिट करके। यहीं पर स्किल लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अब जो लोग सीधा मोटा माथा दिमाग वाला आदमी होगा, चुपचाप ऑप्शन पढ़ेगा, अय्यर का नाम देख के घबरा जाएगा और गलत कर देगा, चाहे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसका मुझे जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा जरूरत सब चीजों का। क्या आंसर हो गया जी? बी, टू एंड थ्री ओनली। हाँ, अगला सवाल करना, डफरिन के पीरियड में कौन कौन से कारनामे हुए थे, ये पूछ रहा है। कास्टलेस सोसाइटी तभी बनेगा जब इंटर कास्ट मैरिज होगा, और कोई समाधान नहीं है। और इंटर कास्ट मैरिज से जो डाउरी सिस्टम है ना उसका भी समाधान है। इंटर कास्ट हो रहा है मतलब ज्यादा चांस है कि लव मैरिज हो रहा है, और अगर लव मैरिज है तो तिलक को चुके, तुम्हारा ब्याह हो जा रहा है, बहुत वही बहुत बड़ा बात है। अब तुम दहेज मांग रहे हो, है कि नहीं? ठीक है, बढ़िया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाएंगे। चलो ये बातें हो गई। डफरिन का जो पीरियड है ना उस पर सवाल पूछ रहा है। तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर इस पीरियड में हुआ था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि तीसरे बर्मीज वॉर के बाद जो अपर बर्मा है इसको अनेक्स कर लिया गया। डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884 चार साल तक रहा, खूब हुड़दंग मचाया, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हो गई। थर्ड बर्मीज वॉर ये 85 में, सॉरी ये जो रिपन था ना, रिपन का था 80 से 84, 84 के बाद डफरिन बना था, ठीक है ना, 84 के बाद डफरिन बना था, 1880 ये क्या बोलते हैं इसको, 4 से लेकर के डफरिन 88 तक था, 1888 तक था, ठीक है। तो चार साल तक यहाँ पर था। इसके कार्यकाल के दौरान तीसरा बर्मीज वॉर हुआ, अपर बर्मा को एनेक्स किया गया, टेनेंसी एक्ट पास हुए, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये सारे काम हुए। जो नरोजी साहब का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ना, ये कई सालों पहले 1866 में ही बन चुका था। जो ये एसोसिएशन था ना वो 1866 में बना था, जो कि काफ़ी पहले ही है। कांग्रेस का फॉर्मेशन, टेनेंसी एक्ट, थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, 1, 2 एंड 3, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताइएगा कौन सा सही है। देखते हैं, अगर साल पता है तुम गूगल का मत ले सकते, कोई इशू नहीं है। यू कैन यूज गूगल इफ यू वॉन्ट, देर इज नो प्रॉब्लम,
क्योंकि चांस कम है कि तुम्हें सार याद रहेगा, इतना भी। इंटरकास्ट इंटरफेथ, अरे पहले इंटरकास्ट ही कराओ, इंटरफेथ तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तुम आयस बन जाओ, तुम्हारा इंटरप्लेनेटरी हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारी कनाई मंगल से आएगी। मेरी साथ क्या हो चुका है, काउंट हो चुका है सर, सी सेट। अबे कास्ट का स्पेलिंग ई तो लगाओ, सी ए एस टी लिख के बैठा है, तुम्हारे साथ होना चाहिए, थोड़ा तो बयान ही होना चाहिए बेटा, तुमको कास्ट का स्पेलिंग नहीं आता, समस्या है। ठीक है, केवल एक नहीं है, ये सभी कास्ट के स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं, बताइए। यही चाहिए ना सर, कास्ट को एकदम नष्ट कर देंगे, उसका स्पेलिंग भी गलत लिखेंगे, हम क्या बात करते हैं, हम जान दे देंगे इसके लिए। चलो, इंडियन लीग जो था वो बना था 1875 में शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर इसी में थे, अनंत चार्लू भी इसी में थे, 1884, 1884, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये बनाया गया था 1851 में, राधाकांत देव, 1851। सबसे पहले क्या बना, एसोसिएशन, इसके बाद क्या बना, इंडियन लीग, इसके बाद क्या बना, मद्रास महाजन सभा। तो 3-1-2 बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर ये चीजें हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना कांग्रेस के पहले के, इसके बारे में आप स्पेक्ट्रम में पढ़ डालेंगे ध्यान से। अगला सवाल करना, सेला पास, ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, ये किसके नजदीक है, ना अभी न्यूज में था, पूजा कह रही है वी शुड इलिमिनेट कास्ट नॉट ई फ्रॉम द कास्ट, हमारा नेता कैसा हो पूजा मैडम जैसा हो। है ना, चलो आगे हो गया। यहां पर शेला पास जो है ना वो तवांग के पास है, कहां पर है, तवांग के पास है, ध्यान से देखो, ये चाइना है, अरुणाचल है, ये जो पास है वो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, जो तवांग और जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है ना अरुणाचल में, उसके बॉर्डर पर पड़ता है ये वाला। यहां पर कई सारे जो पास है ना ध्यान से सुनना, यहां पर बोमडिला, बोमडिला ये दिख रहा है आपको, शेला पास ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर तवांग है, तवांग काफ़ी फेमस है वैसे बुद्धिज्म के लिए भी अरुणाचल में, तो ये सब चीज़ें हैं। कहाँ पर है ये, अरुणाचल में है, ये बात याद रखना कम से कम, अरुणाचल में है शेला पास, अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। अगला सवाल है, आइडिया ऑफ डिसिडरी पावर, इसको बोरो किया गया था कहाँ से जी, बताना ज़रा। नेहा असलम सर पीडीएफ कहाँ अवेलेबल है, पहले तुम नाम का सिग्निफिकेंस बताओ। नेहा असलम जी, मैं सुमंत कुरैशी। तो देखो, जो रिसर्डरी पावर है ना, ये बोरो किए गए थे कनाडा से, कहां से बोरो किया गया, वो कनाडा से। ये होता क्या है, जो पावर
ना लिस्ट वन में हो, मतलब कि ना यूनियन लिस्ट में हो, ना लिस्ट नंबर टू, ना लिस्ट स्टेट लिस्ट में हो, ना कंकरेंट लिस्ट में हो, ना कंकरेंट लिस्ट में हो, मतलब कि सेवेंथ शेड्यूल में वो सब्जेक्ट हो ही ना, उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होगा, इसको हम कहते हैं रिसर्वेटरी पावर। कनाडा में क्या किया गया है कि जो सेंटर है ना उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है बाबू, क्या किया गया है, सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो सही है। यहाँ पे देखो कनाडा वाले में जो आपका क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लिया गया, ये फोटुआ एनसीईआरटी से है, पता है ना आपको, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी से है, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, क्लियर है। तो बी आपका यहां पर सही है। अगला सवाल करना, इसको ध्यान से पढ़ना, बार बार पढ़ना, हाँ एक बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, ठीक है ना, सवाल इससे आते हैं बाबू, क्लियर है। चलो पढ़ लोगे तो कहीं शादी ब्याह हो ही जाए, ना पढ़ोगे तो पक्का नहीं होगा, बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, याद रखना। सुमंत कुरैशी, एक एक्ट्रेस हैं, हुमा कुरैशी पसंद है हमें काफी। गैंग्स ऑफ वासेपुर है ना, ठीक है। मेजर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली। एक बात और, ये जो पूरी किताब है ना 11th वाली एनसीईआरटी, इसको पढ़ने के लिए आपको किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, समझ गए, हाँ डायलॉग आ रहा है परमिशन वाला, मनाही नहीं है, परमिशन लेना चाहिए ना, हाँ तो नहीं, यहाँ मनाही भी नहीं है, परमिशन भी नहीं लीजिए, पढ़ डालिए इसको। चलो कह रहा है, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनोमस यूनिट एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट दोज असाइन टू द यूनियन। यहाँ पर ध्यान देना, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, इसी के आधार पर जो पूरा चीज़ है, सारा जो कांड है ये हुआ है, क्वेश्चन मेकिंग का प्रीएम्बल जो है उसे बनाया गया था। यहाँ पर जो स्टेट है वो अपना पावर डिराइव करेगा कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एक बात और, ये जो पावर है ये फ्लो करेगा पीपल से, मतलब कि पीपल से, लोगों से हमारा पावर जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ठीक है। तो ये जो पॉपुलर सोवरेनिटी है ना ये हम लोगों से आया है, इसीलिए सेकंड यहां पर गलत है। ऑल द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन, सोवरेन जो है ना ये पीपल से आया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से, पीपल, पीपल। तो आपका दूसरा गलत हो गया, आपने दो 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 उड़ाया, क्या आंसर आ गया बाबू, बी, ठीक है। भारत के सभी लोगों को इक्वालिटी स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का गारंटी किया जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी किया जाएगा, ये कहा गया है रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो 1 and 3 बोथ आर करेक्ट, बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये थे हमारे आज के सवाल, उम्मीद है आपको क्लास में मजा आया होगा, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर कमेंट में देना, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ओके। तो क्लास कैसी लगी, क्या आपको क्लास में मजा आता है, पढ़ाई होती है अच्छे से, सीखते हैं। मेरा पर्पस केवल एक चीज़ ये है कि अगर आप मेरे साथ 40 मिनट बिताते हैं यहाँ पर, पहला मज़ा आना चाहिए, दूसरा 40 मिनट में मैं आपको इतना पढ़ा दूं जितना आप 2 घंटे में पढ़ें, मतलब कि समय का सदुपयोग, ठीक ना, घड़ी की सुई का संपूर्ण उपयोग होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर बात है, ठीक है। और कोई सवाल, ओके ठीक है, बढ़िया। चलो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कल रात 9 बजे से। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।